तो दोस्तों आखिरकार क्यों पठान फिल्म के सारे स्टेप को कॉपी करते हुए नजर आ रहे हैं फाइटर फिल्म के मेकर्स। सबसे पहले तो जिस तरीके से पठान फिल्म के ट्रेलर को ठीक उसके रिलीज से 10 दिन पहले रिलीज किया गया था, उसी तरह फाइटर फिल्म के भी ट्रेलर को ठीक 10 दिन पहले रिलीज कर दिया गया। और दोस्तों जिस तरीके से पठान फिल्म की एडवांस बुकिंग ठीक एक हफ्ते पहले निकाली गई थी यानी कि ओपन की गई थी, उसी तरीके से फाइटर फिल्म की भी एडवांस बुकिंग जो है वो आप लोगों को रिलीज से एक हफ्ते पहले देखने को मिलेगी। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी सिमिलैरिटीज़ यानी कौन सी चीज़ें सेम टू सेम पठान फिल्म के अंदर भी हैं और फाइटर फिल्म के अंदर भी हैं। सबसे पहले बात करें तो फिल्म का जो डिमांड है आजकल एक्शन फिल्मों का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। यानी कि जिस तरीके से पठान फिल्म एक एक्शन से भरी फिल्म थी और पब्लिक ने पठान फिल्म को खूब प्यार दिया और एक्शन से भरपूर उसको जो है भर दिया, उसी तरीके से फाइटर फिल्म भी एक्शन से भरी फिल्म है। और आजकल सभी को पता है कि बॉक्स ऑफिस पे अगर कमाना है तो सीधी सीधी भैया बात है कि फाइटर फिल्म की तरह एक्शन फिल्म बना दो यानी कि पठान फिल्म की तरह। वहीं अगर दूसरी चीज़ देखा जाए तो दूसरी चीज़ है दीपिका पादुकोण। दरअसल दीपिका जो है हम लोगों को पठान फिल्म के अंदर भी देखने को मिली थी और जाहिर सी बात है फाइटर फिल्म के अंदर भी दीपिका को ही कास्ट किया गया है। हमेशा देखा गया है कि जब भी कोई अच्छी खासी बड़ी फिल्म बनती है, जिस तरीके से कह सकते हैं एक्शन फिल्म बनती है, तो दीपिका को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है। और यही चीज़ जो है हम कह रहे हैं कि पठान फिल्म से स्टेप बाय स्टेप कॉपी किया जा रहा है फाइटर फिल्म के अंदर। वहीं दोस्तों तीसरी चीज़ की बात करें तो वो है फिल्म के डायलॉग्स जो कि देशभक्ति से भरे हैं। पठान फिल्म के अंदर भी हम लोगों को देशभक्ति वाले डायलॉग्स देखने को मिले थे और सेम अब फाइटर फिल्म के अंदर भी देशभक्ति वाले डायलॉग्स देखने को मिलने वाले हैं जो कि थिएटर्स के अंदर गर्मा गर्म माहौल बना देंगे और पब्लिक की जो है चीखें निकलने वाली हैं। वहीं अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करें या फिर कॉन्सेप्ट की बात करें तो जिस हिसाब से सिद्धार्थ आनंद ने पठान फिल्म को डायरेक्ट किया है यानी कि वो गुरु माने जाते हैं एक्शन फिल्मों के, तो उसी तरीके से फाइटर फिल्म को भी उन्होंने ही डायरेक्ट किया है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि सेम टू सेम पठान और फाइटर फिल्म में देखने को मिली। अब आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट में बताएँ।